नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा में हज यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची। आज रीवा के लगन मैरिज गार्डन में हज यात्रियों को ट्रेनिंग देने का काम वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। वीडियो के माध्यम से ट्रेनरों ने हाजियों को जो हज में जा रहे हैं उनको अरकान और होने वाली परेशानियों से बचने के बारे में सलाह दी गई। बताया गया आपको वहां किस तरीके से बिहेवियर करना है, किस तरीके से आपको अरकान अदा करने हैं। रीवा से इस बार 91 हज यात्री हज यात्रा किए जा रहे हैं, जिनमें 48 पुरुष और 43 महिलाएं। इस दौरान हज यात्रा के जानकारी देने के लिए बाहर से आए ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों के द्वारा नए हाजियों को ट्रेनिंग दी गई जो इस दौरान हज यात्रा में जाएंगे। वहां पर उन्हें किस तरीके से अरकान अदा करने हैं वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल तरीके से करके बताया गया, किस दौरान कौन से अरकान कहां पर करने हैं। अरकान जब आप तरीके से करेंगे, विधिवत तरीके से करेंगे, तभी आपकी हज यात्रा पूरी होगी, हज आपका मुकम्मल माना जाएगा। ट्रेनिंग के माध्यम से हज यात्रा के दौरान आपको मदीना और मक्के में किस तरीके की परेशानी आएगी, किस तरीके से आपको उसको सामना करना है, तमाम बातों को तफसील से नए हाजियों को बताया गया, उनको समझाइश दी गई। हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य किया गया है, टीके का सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना पड़ेगा। तमाम जरूरी जानकारी दी गई, क्या चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, क्या चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या कुछ करना है। हमने कुछ जानकारों से बात की, सुनिए हज यात्रा को लेकर उनका क्या कुछ कहना था, आज ट्रेनिंग के माध्यम से क्या कुछ बताया गया, ये भी हम आपको बताएंगे, सुनवाने जा रहे हैं। द्वारा कुछ तब्दीलियां की गई हैं। हज कमेटी ने इस बार हर बार दिए जाने वाला जो 2100 रियाल हुआ करता था, जो कि वो जमा कराती थी हाजियों से, इस साल उन्हें जमा नहीं कराया है, बल्कि उसकी जगह पे ये कहा है कि आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत हो वो आप स्टेट बैंक से आप कन्वर्ट करा लीजिए रियाल पे, और या कि उसकी जगह पर एक एटीएम जैसा फॉरेन ट्रबल कार्ड इशू किया है उनने, जो कि आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, परचेज़ करते समय कोई सामान के, या कि आपको नगद पैसे ज़रूरत है तो नगद पैसे लेते समय, या कि जहाँ भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप एटीएम जैसा उसका इस्तेमाल करें, चाहे उसको स्वाइप कर लें, चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर लें, या जैसा भी उपयोग करना चाहे। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका पैसा सुरक्षित है, कहीं गिरने या गुम हो जाने की संभावना नहीं है। दूसरा, उसमें जो अननेसेसरी चार्जेस लगते थे रियाल कन्वर्ट कराने में या कुछ कराने में, वो चार्जेस नहीं अप्लाई हो रहे, अप्लीकेबल हैं इस बार। तीसरा, एफटी कार्ड आपका वहाँ, अगर सऊदीया में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, पैसे कम पड़ गए आपको, तो वो इंडिया से ही चार्ज करवा सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव को बोलेंगे तो वो एफटी कार्ड में उतना पैसा डाल देगा, तो आपको वहाँ पर आपके दिमाग में ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आपके पास पैसे एक लिमिटेड हैं, हमको इतने लिमिटेड पैसे में ही अपने खर्च उठाना है। दूसरा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि अभी आप पूरी जो अधूरी कर रहे थे बात उसको पूरी करिएगा, भोपाल से बम्बई 68,000 वाले मामले में अभी क्या कुछ सरकार से कुछ मिला? अभी तक तो कुछ ऐसा हम लोगों के पास अपडेट नहीं आया है, बल्कि ये है कि सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि क्या नाम है, भोपाल और बम्बई के किराए में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस डिफरेंस को कम किया जाए, या कि हम लोगों को एम्बार्केशन ही बम्बई कर दिया जाए। तो इन दोनों चीज़ों को हज कमेटी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में रखा गया है,
अभी उनने कोई निर्णय नहीं लिया है। निर्णय होने पे जैसी जानकारी आएगी हम तमाम हुज्जाज को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसने कोई ऐसा अमल किया जिसमें उसने मेरे साथ जाहिर को शरीक किया तो मैं उसको और उसके शरीक को छोड़ देता हूँ और उससे बाद में डिस्कस करें। अभी जो तरकीब बताई जा रही है, जो हज के अरकान बताए जा रहे हैं, उसको अभी आप लोग ध्यान दिलवाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम जैसे अजीम नेमत का नज़ूल फरमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार फर्ज फरमाया। फितर बेतलाए हराम के लिए जरूरी है कि खुलूस नियत से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपने हज के सफर को अपनी तमाम इबादात में मनूज खातिर रखें और अपने हज के मुबारक सफर से पहले हज उम्र के अहकाम को तफसील से सीख लें और जान लें और उस तरीके को इख्तियार करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह और उनकी दिली मोहब्बत का मरकज है। यही वो जगह है जिसकी तरफ दुनिया में बसने वाले मुसलमान हर रोज पांच वक्त अपना रुख करते हैं। उनके दिल इस इबादतगाह की ज़ियारत के लिए बेहतर है जिसका तबाह किया जाता है। यही वो अजीम मंजिल वाली इबादतगाह है जिसकी तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। यही वो जगह है जिसकी हर चीज को अमन अमान हासिल है। यही वो मुकद्दस इबादतगाह है जो दुनिया में बसने वालों को तौहीद और सलामती का पैगाम देती है। यही वो जगह अनगिनत प्रोजेक्ट्स आपके लिए खोल दिए गए हैं, लिहाजा हम इस बैतुल हरमैन में आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने आराम और सहूलियात के लिए इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने में बिल्कुल तरद्दुद न करें। हम इस मुकद्दस सरजमीन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने सहाबा से ये फरमा रहे थे कि मुझसे अपने हज के मसाइल सीख लो। इस बार अल्लाह का करम है कि इस बार रीवा ज़िले से 91 लोग हज में जा रहे हैं और जो हज में जाने की जो टेंटेटिव तारीख आई है, अभी पक्की तारीख नहीं आई है, वो 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक की है। इस बार एक हज में एक परेशानी आ गई है कि जो अलग अलग पार्किंग पॉइंट है, जैसे बॉम्बे का एक पार्किंग पॉइंट, आमतौर पे लोग एमपी के लोग बॉम्बे से भी जाते थे, इस बार भोपाल कर दिया गया था तो सब लोग बड़े खुश थे कि अच्छी बात है। लेकिन जो बॉम्बे से लोग हाजी जाता है वो 3,04,000 देता है और जो भोपाल से जाएगा वो 3,72,000 देगा, तो 68,000 रुपया भोपाल से एम्बार्किंग पॉइंट से जाने के लिए मक्का या मदीना उसको देना पड़ेगा। ये जो बदलाव है इसके बारे में बहुत से ज्ञापन सौंपे गए हैं और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ निर्णय जरूर। इस बार सब 70 प्लस के सब लोग हज में जा सकते हैं। जो 65 का जो क्राइटेरिया था वो ख़त्म कर दिया। आज जो ट्रेनिंग हो किस तरह से क्या जानकारी? देखिए, हज में जाना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का हुक्म भी है कि हज ज़िंदगी में एक बार हज फर्ज है, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि जो हज यात्री हज में जाता है तो हज के दौरान किए गए जाने वाले हज के अरकानों को भी ठीक ठीक से करना भी उससे बड़ी जिम्मेदारी है।
तो इसको हमारे देखिए ये हमने सिलसिला 2002 से शुरू किया था। जब 2001 में हम गए थे तो केरम से उस वक्त हम खुद कुछ नहीं जानते थे, तो 2002 के बाद से हमने वहाँ मक्का में अहद किया था कि अगर हम ऐसा होगा तो हम करेंगे। तो 2002 से लगातार हम तेज भी कर रहे हैं। जो गलती हमसे हुई है जानकारी ना होने की वजह से, तो हमारे जो जाने वाले भाई उनको ना हो, इसके साथ ही हमने प्रोग्राम शुरू किया है। तो हज के दौरान हर जगह क्या क्या अरकान करना है इसकी तफसील जानकारी के बिना हज का कोई मतलब नहीं। हज में 3 फर्ज, 6 वाजिब, 8 सुन्नतें हैं। हज का वाजिब छूटा तो हज नहीं होगा, हज का वाजिब छूटा तो दम लगेगा। हज के फर्ज में एहराम का बांधना, वकूफ़ अरफात, तवाफ़ ज़ियारत है। हज के वाजिब में वकूफ़ मुज़दलफ़ा, शैतान की रमी, हलक कर कुर्बानी करना, हलक कराना, जमरात की रमी और तवाफ़ विदा है। इनमें से कोई भी अरकान अगर छूटा तो दम वाजिब है, दम के माने जुर्माना, 1 बकरा कुर्बान करना पड़ेगा। और हमारे इंडिया से जो हाजी जाते हैं वो सभी ये अरकान अदा करके अपना हज पूरा करते हैं, मुकम्मल करते हैं, उनका हज हो जाता है और वो हाजी कहलाते हैं। यही जानकारी मेरे द्वारा ये हज तरबियत कैंप में आज रीवा में दी गई। 25 किलोमीटर दूर बीर अली जगह है, उसका नाम है, और वहाँ एक मस्जिद है, वो मदीना वालों की मीकात है। रसूलुल्लाह अपना हज और उमरे का एहराम उसी जगह से बांधे थे। आपको भी वो जगह से एहराम बांध के मक्का में दाखिल होना होगा। अगर आपकी प्लेन बॉम्बे से या भोपाल से जिद्दा जाती है तब आपको एयरपोर्ट से ही एहराम बांधना होगा, क्योंकि हम लोगों की मीकात समंदर के बीच में एक पहाड़ी आती है, उसका नाम है एलमलम। एलमलम पहाड़ी वो समंदर के बीच में है और वो प्लेन वहाँ अपने रफ्तार से गुजर जाता है, इसलिए पहले ही हम एहराम अपने एयरपोर्ट से बांध के जाते हैं। और जब समंदर वो पहाड़ी करीब आने वाली होती है, प्लेन के कारिंदे बता देते हैं कि आपकी वो जगह आने वाली है, आप लोग अपना जो धार्मिक क्रिया करने वाले हैं वो आप कर लें। उस वक्त हम अपना नियत कर लेते हैं, उम्रे की तलबिया पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम पर एहराम की पाबंदी आयद हो जाती है। इस तरीके से पूरी दुनिया में 4 जानिब हैं, चारों जानिब 4 मीत आते हैं। अब हमारे मोहल्ले के आदमी रात में ही इशाबाद आपको मक्का से मीना ले जाते हैं, तो आप ना नुकुत ना करें, आप मीना चले जाएं, आप ना नुकुत ना करें, मीना चले जाएं। और जैसा भी है, अगर ट्रेन बस वो ट्रेन का प्लेटफॉर्म आपकी बिल्डिंग के करीब है तो ट्रेन का टिकट आपको देगा, ये सब बातें हमारे हाजी साहब आपको बताएंगे। और अगर दूर है आपकी बिल्डिंग से तो आपके बस का टिकट देगा, या यूँ समझ लीजिए अगर ट्रेन का टिकट आपको नहीं दिया तो आपको बस से जाना है। और तीसरा साधन, खुद आप अपने से पैदल जा सकते हैं। मक्का मुकर्रमा से मीना 5 किलोमीटर की फासले पर वाक़े है। आप 8 मिनट को मीना पहुंच गए, अपने साथ एक थैला रखें, उसमें एक दरी, चादर, चटाई जो भी मोटी हो उसको रख लें। कुछ खाने के लिए खुरमा, मेवा, चना, सत्तू, लाई जो भी मैस्चर हो वो आप रख लें, इतना खाने के लिए कि हम जिंदा रहें, इतना खाने के लिए कि हम जिंदा रहें। और वहाँ मौलिक की जानिब से हर वक्त आपको खाना नाश्ता मुहैया कराया जाएगा, 8 जुलहिज से लेकर 12 जुलहिज तक। फिर भी अपने साथ आप कुछ भी खजूर, मेवे वगैरह जो भी रखना चाहें रख लें। उसमें एक एहराम बांध लिए हैं, एक जोड़ा एहराम की चादरें अपने थैले में रख लें, और एक
एक जोड़ा सादा लिबास रख लें, अपने इस्तेमाल की विश्वास रहेगा। ये काफिला मीना से अरफात के लिए कूच करेगा। जो तीन फर्ज हैं, एहराम का बांधना, वकूफ़ अरफात, तवाफ़ ज़ियारत, आठ वाजिब हैं, वकूफ़ मुज़दलफ़ा, शैतान की रमी, कुर्बानी, हलक, तवाफ़ विदा, ये वाजिब है। इनमें से कोई छूटा, इनमें से कोई छूटा तो दम लगेगा, और फर्ज छूटा तो हज नहीं होगा। अब आप एक बार मीना से अरफात के लिए रवाना होंगे और उसी तरीके से फजर के बाद मीना से अरफात जाना उम्मीद है। भीड़ की वजह से मौलवी के आदमी रात में ही वही